बच्चों की बलि देने वाला शैतान। आ गया मैं, वापस आ गया। आज अमावस की रात है, गांव वालों मेरे सामने आओ, मेरी इच्छा पूरी करो, जल्दी आओ। नहीं आए तो जानते हो ना, इस गांव को शमशान बना दूंगा। भयंकर शैतान के बोलते ही आसपास का माहौल बिगड़ जाता है। तेज आंधी आती है, पूरे गांव की लाइट चली जाती है, गांव वाले लोग थर थर कांपने लगते हैं। तभी विनायक लालटेन जलाता है और शांता अपने बेटे को गले से लगा लेती है। विनायक जी, मुझे लगता है वो शैतान आ गया है, इस बार भी बलि लेकर ही रहेगा। मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती विनायक, मेरा विनू अभी छोटा है, अभी तो उसे ठीक से 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम जानती हो ना, अगर हमने अपना बच्चा उस राक्षस को नहीं दिया तो वो सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा, वरना गांव वाले हमसे हमारा बच्चा छीनकर उस राक्षस को सौंप देंगे। नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, मेरा बच्चा देखे तो कितना छोटा है वो। अरे समझने की कोशिश करो शांता, हमें बच्चा देने जाना होगा, अरे वो आ चुका है। गांव के सभी लोग हाथ में मशाल लिए शांता के घर पर आते हैं, खुद दरवाजे पर खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खोलो शांता, दरवाजा खोलो, वो राक्षस आ चुका है, हमें चलना चाहिए वरना वो पूरे गांव को ले डूबेगा। विनायक विनायक रोकिए ना इन्हें, रुकिए, आप मुझे छुपा दीजिए वरना ये मेरा बच्चा मुझसे ले जाएंगे। दरवाजा खोलो, राक्षस आ चुका है, ज्यादा देर नहीं रुकेगा, अपने बच्चे को लेकर चलो। विनायक अपने 1.5 साल के बच्चे को शांता की गोद से जबरदस्ती लेकर उस राक्षस की ओर बढ़ता है और शांता उसका पैर पकड़कर अपने बच्चे की भीख मांगती है, पर विनायक आंखों में आंसू लिए दिल को संभाले आगे की ओर बढ़ता है और राक्षस को कहता है, राका राक्षस, ये लो तुम्हारी बलि, मैं अपने बच्चे को ले आया, ले जाओ इसे। आकर आ ही गया, मैं खुश हूँ, तुमने चुपचाप मुझे अपना बच्चा देना मंजूर किया, लाओ। विनु, मेरा बच्चा राक्षस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे मुझे मार डालो। क्या है ये सब, क्या तुम इस बच्चे को देना नहीं चाहते, जानते हो ना बदले में तबाही होगी। नहीं राका, तुम ले जाओ हमारे बच्चे को। ये हुई ना बात। शांता अपने बच्चे के लिए बहुत बिलखती है, पर विनायक उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में राक्षस बच्चे को लेकर जंगल में पहुंच जाता, उसे एक घेरे में रखता है और बलि चढ़ाने की विधि करने लगता है। ओम भीम क्लीम राक्षस असुरा ध्वनि उच्चारती असुरा अम्मा, इस बच्चे की बलि स्वीकार कीजिए बलिसुर। राका के ये विधि करते ही वो उस बच्चे को तलवार से काट कर उसका रक्त राक्षस को अर्पण करता है। तभी बलि सुर उससे खुश होकर चला जाता है। आखिर मेरा ये काम पूरा हुआ, गांव वालों अब अगले साल आऊंगा, मैं फिर से एक बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना, अमावस के दिन ही आऊंगा। यहाँ एक तरफ राका खुश होकर अपने अगले साल आने के लिए गायब हो जाता है, वहीं शांता बहुत रो रही थी। विनायक और पड़ोसन उसके पास दिलासा देने आते हैं तो कहती है, दूर हो जाओ सब मुझसे, दूर हो जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे, तुम सब मेरे बच्चे के कातिल हो, चले जाओ यहाँ से वरना मैं कुछ कर बैठूंगी, और आप, अब से आप मेरे पति नहीं है, अपने हाथों से अपने बच्चे को उस राक्षस को सौंप दिया। ये कहकर शांता घर में खुद को बंद कर लेती है। विनायक भी टूट जाता है। ऐसे ही अगले साल फिर वो राक्षस अमावस की रात को आता है और इतने ही छोटे बच्चे को उसकी माँ बाप उसे राक्षस को सौंप देते हैं, जिसके बाद वो राका वही विधि करके अपने बलि सुर को बच्चे की बलि चढ़ा देता है। आखिर गांव पर ऐसी क्या विपदा आई थी जो माँ बाप को मजबूर होकर अपने बच्चे को खुद उस राक्षस को सौंपना पड़ता था। जानने के लिए कहानी के दिलचस्प मोड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 सालों में उस राक्षस ने 3 छोटे नवजात शिशु की जान ले ली थी। अमावस की चौथी रात आने को थी। फिर सुनैना और मोहित शहर से इस गांव में अचानक से रुकने के लिए आ गए थे। रास्ते में उनकी खराब कार हो जाती है। 1 साल का बच्चा वो हाथ में लिए कहती है,
सुनिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जी वो अब पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब आपका? जी कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं आपको रहने का कमरा दिखाता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। सुने ना, लाओ बच्चे को मुझे दे दो। नहीं नहीं मोहित, मैं संभाल लूंगी। आप बैग्स का ध्यान रखिए और इसकी दूध की बोतल दे दीजिए। ये लो। इस तरह विमलेश और उसकी पत्नी उन दोनों को अपने घर का एक कमरा दे देते हैं। तभी विमलेश कहता है, जी जब तक आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, और कुछ चाहिए होगा तो हमें बता देना। जी जरूर। तभी विमलेश कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी मोना से कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, जो इन्हें सब कुछ बोलने वाली थी? विमलेश मेरा बोलना जरूरी था, कहीं वो राक्षस इनके बच्चे को भी ले गया तो? 3 दिन बाद वो आने ही वाला है। तो आने दो, कम से कम इस बार हमारे गांव का बच्चा तो बच जाएगा राक्षस की बलि चढ़ने से। आप कैसी बातें कर रहे हो, बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम्हें चुप रहना होगा, हमारी भलाई इसी में है। 2 दिन बीत जाते हैं। सुनैना और मोहित को गांव के लोगों का चुप चुप और डर के रहना बड़ा अजीब सा लगता है। अगले दिन अमावस की रात फिर आती है। तेज आंधी चलती है, लाइट चली जाती है। गांव के सभी लोग मशाल लिए इसी जगह खड़े हो जाते हैं और विमलेश मोना उसके बच्चे को उठाकर चल देते हैं। मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो, और गांव में अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? अरे राक्षस आ रहा है और तुम्हें अपने बच्चे की बलि देनी होगी, तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा राक्षस। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। क्या राक्षस राक्षस लगा रखा है तुम लोगों ने? ये इस गांव का एक नियम है, हर साल की एक अमावस की रात को राक्षस गांव के एक नवजात बच्चे को ले जाता है। तुम्हें इस गांव में आना नहीं चाहिए था, यहाँ नवजात बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए बलि तुम्हारे बच्चे की ही चढ़ेगी। ये क्या बकवास है, छोड़ो छोड़ो हमारे बच्चे को। ये गांव का काला सच है, तुम्हारी तरह 3 माओ ने अपने बच्चे को ऐसे ही खोया है। पर क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि आप सब हर साल उस राक्षस को बच्चा देना पड़ता है? क्योंकि आज से 3 साल पहले वो इस गांव में आकर आतंक मचा रहा था, उससे बचने के लिए पूरा गांव उसके कदमों में झुक गया और कहा, सब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दो, यहाँ से चले जाओ, मासूम लोगों को मत मारो। ऐसे कैसे चला जाऊंगा, या तो तुम सबका खून पी लूंगा या तुम मुझे बच्चा दोगे। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम सबको ना मारूं, तो हर साल अमावस की रात आऊंगा और एक नवजात शिशु को ले जाऊंगा और फिर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। गांव वाले राक्षस की बात से हाहाकार करते हैं, पर अंत में उसकी बात मानकर उसे बच्चा दे दिया करते थे जिसकी वो बलि चढ़ाता था। तब से हम हर साल उस राक्षस को अपना एक बच्चा दे देते हैं। आपने उस राक्षस की बात मान ली, लेकिन उस राक्षस को खत्म करना नहीं चाहा। पर मैं उस राक्षस को खत्म करके ही रहूंगी और अपना बच्चा हरगिज नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनैना, क्या आप सब हमारे साथ हैं? जितना जल्दी हो सके उस भूत को मारने की तरकीब सोचिए। गांव वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी भीड़ से एक औरत निकलकर कहती है, बेटा मेरे पास एक दिव्य माला है, अगर उस माला को वो राक्षस छू ले तो वो मर सकता है, पर ये बहुत कठिन कार्य है क्योंकि वो माला बहुत प्रकाश करती है और राक्षस उसे देखते ही जान जाएगा तो वो उसे नहीं छुएगा। मुझे पता है वो माला कैसे छुएगा, मैं एक नकली बच्चे को वो माला लपेट दूंगी, वो राक्षस जैसे ही उस बच्चे को हमारे हाथ से लेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये तरकीब जरूर काम करेगी। सुनैना जल्दी से गुड्डे के बच्चे को उस माला से लपेट कर बच्चे के कपड़े पहना देती है। तभी वो राक्षस गुर्राने लगता है, गांव वालों मैं आ गया हूँ, जल्दी से मुझे वो बच्चा दो, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। ये लो मेरा बच्चा, ये लो मेरे बच्चे को छोड़ दो।
तुम इस गांव की तो नहीं लगती, बच्चा तो मैं ले जाऊंगा वैसे। लाओ दो। ये कहते ही राक्षस उसके हाथ से बच्चा छीन लेता है और माला के स्पर्श होते ही वो राक्षस बम की तरह जोर से फट जाता है, जिसके बाद वो राक्षस का अंत होता है और सुनैना मोहित अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए अपने शहर चले जाते हैं। चुड़ैल का भूतिया जादुई सोने का शहर। घने जंगलों को पार कर चुड़ैल एक शहर की ओर जाती है और पहाड़ पर खड़े होकर वहां हो रही हर चीज को वो अपने जादू से सोने का एक सुनहरा शहर बना देती है और कहती है, आखिरकार मैंने अपनी जादुई शक्तियों से इस शहर को एक सोने का शहर बना ही दिया, जहां सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। ये कहकर जब चुड़ैल शहर में अपना कदम रखती है तो वहां उसे सोने की बस, सोने का घर, फ्रूट सब्जियां, सोने का इंसान, साइकिल, बगीचा, बल्कि हर चीज, वो मामूली शहर एक सुनहरे सोने के शहर में बदल गया था। फिर चुड़ैल कहती है, अब से ये शहर सुनहरी नगरी के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सभी यहाँ मेरे गुलाम होंगे और कोई नया पंछी मेरी नगरी में पर भी नहीं मारेगा, वरना मैं उसका कुछ और ही हाल कर दूंगी। अरे बाप रे बाप, मंजू ये शहर एकदम सोने का शहर कैसे बन गया? अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही मैं भी सोच रही हूँ, आखिर चंद पलों में ही ये शहर एक सोने का शहर कैसे बन सकता है? जरूर यहाँ कोई ना कोई तो आया है और अब मुझे लगता है कि हम सबके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ज्योति बिल्कुल ठीक कहती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ कोई ना कोई आएगा ही आएगा। फिर तो सबको साथ रहकर होशियार रहना होगा। वो सब तो ठीक है, पर सलोनी कहाँ है? मुझे वो नहीं दिख रही। हमें आगे जाकर ढूंढना चाहिए। सभी मिलकर आगे जाकर ढूंढने लगते हैं। इन लोगों को देखकर लगता है कि चुड़ैल का जादू सिर्फ शहर पर हुआ है। कुछ लोग ही सोने के बने हैं, बाकी सभी लोग अभी भी इंसानी रूप में हैं। क्या चुड़ैल ने जानबूझकर लोगों को छोड़ा था या बात कुछ और थी? आखिर आगे क्या होने वाला था? क्यों चुड़ैल ने एक मामूली शहर को सोने का शहर बनाया था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही चुड़ैल एक सोने की बाइक पर बैठकर आती है और छोटे मोटे बम के धमाके करने लगती है और माइक से लोगों को कहती है, जितने भी लोग शहर में हैं, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कुछ लोगों को सोने का बना दिया है। कुछ लोग बहुत देर से ढूंढ भी रहे होंगे अपने चाहने वालों को। सारे लोग ध्यान से सुनना, अब से तुम सभी लोग मेरे गुलाम हो। किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की या कोई भी इस गांव से बाहर गया तो वह तुरंत मर जाएगा। तुम लोगों को रहना यही है, तो तुम खुशी से रहना, जो चाहे करना, लेकिन मुझसे दगाबाजी नहीं चलेगी। तो जाओ, इस सड़क के नीचे सोने की खदान है, वहां से सोना टुकड़ों में लाकर बीच मैदान में मेरी एक सोने की मूर्ति बनाओ। चलो जल्दी करो। और हाँ, ये सोने के साथ जादुई शहर भी है, तो जादू से तुम कुछ भी कर सकते हो। खाना बनाना हो, सफाई कराने हो, बर्तन या कपड़े धोने हो, कुछ भी जादू से कर सकते हो। अरे कौन हो तुम और क्यों तुमने हमारे साथ ऐसा किया है? हम तुम्हारे गुलाम क्यों बने आखिर? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्यों बने? आखिर हम एक चुड़ैल की सेवा क्यों करें? क्यों तुम्हारी भव्य मूर्ति बनाए? लगता है कुछ देर पहले तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। यहाँ पर जो भी चीज होगी, रहना खाना पीना, सब तुम अपनी मर्जी से करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। जादुई सोने की नगरी है मेरी, जितना ऐश करना है करो, उसके बदले में मेरे गुलाम बनकर मेरा काम करो, और जो नहीं करेगा उसका हाल देखो कैसा होगा। ये कहते ही चुड़ैल सुषमा और मीत को हवा में उठाकर पटकती है और उसे सोने का बना देती है, जिससे उनके परिवार के लोग कहते हैं, अरे रे 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 चुड़ैल जी, आपने ये क्या बात कर दिया, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, हम आपकी बात मानेंगे। अरे मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज, ऐसे मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे, बस हमें कुछ मत कहो। इसका मतलब तुम लोग मेरी सोने की बड़ी सी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो, क्यों हो ना? वैसे तुम्हें अपने बच्चे की सोने की मूर्ति अच्छी नहीं लगी क्या? अरे हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अरे बच्चों को छोड़ दो, हम सब मिलकर तुम्हारी सोने की मूर्ति जरूर बनाएंगे, अब छोड़ दो बच्चों को। चलो तुम इतना कहते हो तो छोड़ ही देती हूँ। ये कहते ही
चुड़ैल उन दोनों को फिर से पहले जैसा बना देती है। साथ ही बुड्ढे की लाठी को सोने में बदल देती है और कहती है, जा बुड्ढे मौज कर ले अपनी सिर्फ इस छड़ी के साथ। कुछ देर बाद सभी लोग उस खदान में जाकर सोने की हथौड़ी और छेनी से सोने के टुकड़ों को निकाल कर ऊपर की ओर लाते हैं और जमा करते हैं। वक्त बीतता है। करीब 10 दिन से सुनहरे शहर के सभी लोग चुड़ैल की सोने की मूर्ति बनाने में व्यस्त थे, तो वही काम करने के बाद वो लोग अपने सोने के घर में जाकर सोने की जादुई झाड़ू से कहते हैं, हे सोने के जादुई झाड़ू, मेरे पूरे घर को अच्छे से चमका दे और साफ कर दे। खाना बनाना है, कैसे खाना बनाऊं, कुछ तो है ही नहीं। पूजा की ये बात सुनकर चकला बेलन कड़छी जो कि जादुई थे वो उसके सामने आकर कहते हैं, तुम फिकर मत करो, अब तुम एक जादुई शहर में हो। तुम्हें जो खाना है हमें बता दिया करो, हम बना दिया करेंगे। हाँ बिल्कुल, बेलन सही कह रहा है, तुम्हें जो बनाना है हमें बता दो। विश्वास ही नहीं हो रहा कि रसोई के सोने के बर्तन भी बोल सकते हैं। खैर पूछ रहे हो तो पनीर नान, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू की कचौड़ी, ये सब बना देना, और हाँ रायता भी। बस इतनी सी बात, अभी बनाते हैं। रसोई के सुनहरे बर्तन ये कहते ही 2 मिनट में जादू से वो सारा खाना बनाकर खुद ब खुद डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। और पूजा कहती है, मम्मी पापा जल्दी आइए, खाना बन गया और आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया? हाँ बेटा, आज से पहले इतनी जल्दी तो तुमने कभी नहीं बनाया। लगता है पापा भूल गए चुड़ैल की बातों को। उसकी ये नगरी एक जादुई सोने की शहर है जहाँ हर चीज जादू और सोने से होती है, तो बस खाना भी जादू से तैयार हो गया। कड़छी बेलन कढ़ाई ने खुद बनाया है। ये तो बात मेरे ध्यान से ही निकल गई, तो चलो सब बैठकर खाना खाते हैं। सभी लोग जैसे ही बैठकर खाना खाते हैं तो उनका डाइनिंग टेबल हवा में उड़ने लगता है। वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठकर हवा में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्तिक झाड़ू पर बैठकर सोने के जादुई शहर की सैर कर रहा होता है। ये वहू, अरे वाह, सोने की जादुई झाड़ू पर झूमकर तो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ से सारे सोने के घर कितने चमकते हुए मोती लग रहे हैं। वाह चुड़ैल, चुड़ैल भी हमें इस तरह खुश रहने का मौका देगी, लगा नहीं था मुझे। तभी चुड़ैल भी अपनी सोने की जादुई झाड़ू पर बैठ कर आती है और उसकी गर्दन पकड़ कर कहती है, बेटा मैं बहुत देर से देख रही हूँ, काफी उछल कूद रहे हो, अब जरा मेरी मूर्ति भी बना लो जाकर। जी 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 हाँ चुड़ैल जी, मैं जा ही रहा था, थक गया तो थोड़ा घूमने आ गया। तभी दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक तरफ चुड़ैल की आधी मूर्ति बन चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ जंगल के किनारे से कुछ लोग आ रहे थे। अरे चमकता हुआ सा ये जगह क्या है? अरे सिम्मी, तूने कभी सुना नहीं है क्या, यहाँ एक सोने का शहर है। इस गुफा, गहरे जंगल और झरने को पार करते ही पानी के उस ओर एक सोने का शहर है। यदि हम वहाँ पहुँच गए तो बहुत सारा सोना वहाँ से यहाँ ला सकते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर ऐसा है तो चलते हैं। दोनों जैसे ही घने जंगल को पार कर उस झरने की ओर आते हैं तो वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है और उनके सामने आकर कहती है, यहाँ से आगे कहाँ जाने की सोच रहे थे तुम लोग? कहीं नहीं, हम बस यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे, हम घर जा रहे हैं। मुझ जैसे चुड़ैल को बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ तुम मेरी सोने की नगरी के पीछे आए थे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को वहाँ ले आती है और सोने का पुतला बनाकर शहर के चौराहे पर लगा देती है, जहाँ से वो दोनों पुतले अपनी आंखों से सब देख पा रहे थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। आगे क्या होगा, क्या चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देगी या हमेशा पुतला बनाकर रखेगी? आखिर चुड़ैल अपनी सोने की मूर्ति बनवाने के बाद क्या करना चाहती थी? क्या सुनहरे जादुई शहर के लोग कभी आजाद हो पाएंगे? जानने के लिए कहानी के अगले दिलचस्प भाग का इंतजार कीजिए। इंतजार चुड़ैल की रंग बिरंगी मुर्गियाँ। आधी रात के समय जंगल में एक चुड़ैल अपनी रंग बिरंगी मुर्गी को हाथ में लेकर कहती है, चलो
आज से मैं रंग बिरंगी मुर्गियों को बेचूंगी। जो मेरे साथ हुआ है उसका हिसाब भी चुकता करूंगी। आ रही हूँ गांव वालों में, लेकिन उससे पहले मुझे इंसानों को मुर्गियों में बदलना होगा, तभी तो बेचूंगी उन्हें। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव की ओर जाकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से रंग बिरंगी मुर्गी में बदल देती है और उन्हें पिंजरे में डालकर ले आती है। और जब वो रंग बिरंगी मुर्गियां पिंजरे में छटपटाती हैं, तो चुड़ैल हंसकर कहती है, ओह बेचारी मुर्गियों, छटपटा रही हो तुम, अभी तो तुम और छटपटाओगे। जो लोग तुम्हें मार कर निगल जाएंगे, वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी, वही। अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदल कर उन सभी रंग बिरंगी मुर्गियों को पिंजरे की गाड़ी में रख कर गली गली जाकर बेचते हुए कहती है, मुर्गियाँ ले लो मुर्गियाँ, रंग बिरंगी मुर्गियाँ, ताजी ताजी अनोखी मुर्गियाँ। मोहतरमा, ये मुर्गी कैसे दी है? ये तो बड़ी ही सुंदर है, कहाँ से आई तुम्हारे पास? साहब गुटलियाँ मत गिनो, बस आम खाओ। ठीक है, मुझे ये गुलाबी और संतरी वाली मुर्गियाँ दे दो। ये लीजिए आपकी दोनों मुर्गियाँ। अरे मुझे भी दो, मुझे भी दो, और मुझे तीन रंग बिरंगा वाली मुर्गियाँ दे दो जल्दी से। अरे थोड़ा सब्र कीजिए, एक एक करके मैं आप सबको आपके सारी मनपसंद रंग बिरंगी मुर्गियाँ दूंगी। अरे वाह, आज तो काफी लोग मेरी मुर्गियाँ खरीदने आए हैं, बेचारे मेरे मकसद से अनजान हैं। इस तरह रूपाली एक एक करके सबको उनकी मन पसंद रंग बिरंगी मुर्गियाँ दे देती है। सारी मुर्गियाँ खत्म हो जाती हैं। तभी शाम में जो जो लोग उसे ले जाते हैं और बनाकर खाते हैं, वही लोग आधी रात में रंग बिरंगी मुर्गी में तब्दील हो जाते हैं और चुड़ैल उन सब की गर्दन पकड़ पकड़ कर अपने पिंजरे में डाल देती है। अरे वाह, मेरा काम तो और आसान हो गया। मेरी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी मुर्गियों, इंसानी मुर्गियों। आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या खास मकसद हो सकता है? वो लोगों को रंग बिरंगी मुर्गियाँ क्यों बना रही है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन चुड़ैल आधी रात में लाई इंसानी मुर्गियों को बेचने जाती है। लोग बड़े आराम से उन मुर्गियों को ले लेते हैं और जैसे ही माला नाम की औरत उस मुर्गी को काटने जाती है, तो वो मुर्गी बहुत छटपटाती है और अपनी चोंच से उसकी आंख में मारकर चली जाती है। चुड़ैल पास खड़ी देख रही थी कि वो उस रंग बिरंगी मुर्गी की गर्दन पकड़कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तुझे भी बाकी मुर्गियों की तरह जलना भुनना होगा, वरना मैं और मुर्गियों को कैसे बेचूंगी। ये बोलकर चुड़ैल मुर्गी का अपने जादू से चिकन फ्राई बना देती है। बाद में माला और उसका पति रात में यही खाते हैं, तभी विराज बोलता है, अरे आज तो तुमने काफी अच्छा चिकन फ्राई बनाया है माला, यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने बनाया है। झूठ बोल देती हूँ, वरना ये मुझे हीरो का हार नहीं दिलाएंगे। जी मैंने ही बनाया है। वाह, ऐसी बात है तो तुम्हारा पेंडिंग हीरो का हार कल आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं, मुझे हीरो का हार दिलाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये बोलकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं आधी रात को बेड पर सोते सोते दोनों रंग बिरंगी मुर्गियों में बदल जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल उन्हें भी कैद करके फिर से अपने पास ले आती है और वही करती है जो करती आई है। धीरे धीरे लोगों के गायब होने से उनके परिवार जन परेशान होने लगते हैं। एक की माँ मुखिया से कहती है, अरे मुखिया साहब कुछ तो कीजिए, मेरा बेटा का अचानक ही रात से गायब है, अभी तक नहीं मिला। हाँ हाँ मुखिया जी, मेरी बीवी भी दो चार दिन से गायब है, मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं ना दिखी, आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप सब परेशान मत होइए, मैं कुछ हल निकालता हूँ। अगले दिन चुड़ैल मुखिया के दरवाजे पर रंग बिरंगी मुर्गी बेचने आती है। मुखिया वो मुर्गी खरीद लेता है। जैसे वो खाना खाने जाता है तो उसका कुत्ता उसके चिकन पर झपट्टा मारता है, जिसके खाते ही वो एक गुलाबी कलर का मुर्गी बन जाता है। ये बात मुखिया को हजम नहीं होती और वो सोने का नाटक करता है। तभी चुड़ैल की नजर मुखिया पर ना जाकर मुर्गी पर जाती है और वो मुर्गी को जैसे ही उठाती है, मुर्गी का शक यकीन में बदल जाता है और वो मन में कहता है, मतलब मेरा शक सही था, ये सब गांव में चुड़ैल का किया धरा है, जो मुर्गियां बेचकर लोगों का मुर्गा बना देती हैं, फिर इंसानों को ही खिला देती हैं ताकि उन्हें बेच सके। चुड़ैल अब तो ज्यादा दिन तक इस गांव में मेहमान नहीं है। ये बोलते ही मुखिया अपने जाने माने प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। तांत्रिक उसके बेचे हुए एक मुर्गे को घेरे में बिठाकर पूजा करता है। तंत्र विद्या से चुड़ैल न चाहते हुए भी तांत्रिक के बनाए घेरे में पहुंच जाती है और बौखलाई चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, छोड़ मुझे, क्यों मुझे यहाँ लेकर आया है, जाने दे वरना मैं तुझे मार डालूंगी। तांत्रिक बंद कर अपनी बकवास, अब तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, अगर जाना है तो मेरे सवालों का जवाब दे, बता
क्यों लोगों को रंग बिरंगी मुर्गियां बना रही है? मकसद क्या है तेरा इसके पीछे? तूने पूछा और मैं क्या बता दूंगी, तेरी गुलाम तोड़ी हूँ मैं, चुड़ैल हूँ चुड़ैल, मार डालूंगी तुझे, जाने दे मुझे। तुम काली बेली चुड़ैलों का कुछ नहीं हो सकता जब तक हम तांत्रिक भी अपना असली रंग नहीं दिखाते, कुछ बताकर राजी नहीं होती हो। अब देखो। ये बोलते ही तांत्रिक उस पर मंत्रों से छड़ी मारता है जिससे चुड़ैल खुद ब खुद बताने लगती है। मत मारो, मत मारो मुझे, मैं सब बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, इसी गांव में मैं गरीब आम्रपाली मुर्गियाँ बेचती थी, लेकिन अचानक पैसा ना होने की वजह से मेरी मुर्गियाँ मर गई। मैं बहुत निराश हो गई, निराशा में जंगल में चली जा रही थी तभी मेरे सामने चमचमाती नीली की एक मुर्गी आई। कोई था नहीं तो मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने कैसे भी जुगाड़ करके उसे दाना खिलाया। उसी रात उसने मुझे रंग बिरंगे 10-12 अंडे दिए जिससे रंग बिरंगी मुर्गियां बनी और मैंने उन्हें बेचना शुरू किया। दुगने दाम में मुर्गियां बिकने लगी। इतनी की भीड़ लग जाती थी कि मुझे ये बोलना पड़ता था, अरे अरे आप धक्का मुक्की मत कीजिए, ठीक से खड़े रहिए, मेरे पर बहुत सारी रंग बिरंगी मुर्गियां हैं, ये लीजिए आपको और आपकी ये 6 अलग रंग की मुर्गियां। धीरे धीरे आम्रपाली की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और एक दिन आम्रपाली के पड़ोसी गगन, विक्रम, सनम, राजू की लालची नजर उसकी रंग बिरंगी मुर्गियों पर थी। अमीर बनने के लिए एक रात उसकी रंग बिरंगी मुर्गियों को चुराने वो आते हैं। मुर्गियों के शोर से आम्रपाली बाहर आती है और उनसे लड़ने लगती है। छोड़ो मेरी मुर्गियों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चुराने की? हिम्मत तो हुई है, अब देख हम भी कैसे अमीर बनते हैं। ये बोलते ही गगन के दोस्त चाकू से आम्रपाली को मार डालते हैं और कुछ दिन बाद अमीर न बनने पर उसकी मुर्गियों का चिकन बनाकर खा जाते हैं। मेरी बेचारी मुर्गियों को बेपालतू में मार डाला और खा गए और मुझे भी मार दिया, उसी का बदला मैं उनसे ले रही हूँ। उन्हें ही रंग बिरंगी मुर्गी बनाकर इंसानों को बेच कर उन्हें ही खिला देती हूँ। ले लिया ना तूने अपना बदला सभी से, उन्हें रंग बिरंगी मुर्गी बनाकर। अब मैं तुझे इस रंग बिरंगी दुनिया से अलविदा करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक उस दुष्ट चुड़ैल को एक अभिमंत्रित तहखाने में बंद कर जमीन में दफना देता है जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता और सब पहले की तरह ठीक हो जाता है। जादुई सोना शहर। जैसे ही बबीता अपनी 5 साल की बेटी कनक के साथ बुलंदशहर स्टैंड पर उतरती है तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है, जरा देखो तो हर एक इंसान सर से लेकर पांव तक सोने में लदा हुआ है और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं। चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती है। तभी बबीता जैसे ही डोरबेल बजाती है, गहनों में सजी धजी रईस सनाया दरवाजा खोलती है। कहो क्या काम है? मेम साहब काम की तलाश में शहर आई हूँ, कोई काम काज हो तो कहिए। काम तो इतना है कि तुम कर नहीं पाओगी, पहले पूरा घर अच्छे से देख लो, परख लो, उसके बाद बताना। दोनों घर के भीतर घुसकर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगते हैं जहाँ संपूर्ण विलासिता की वस्तुएं शुमार थी। मेम साहब मैं सारा काम निपटा लूंगी, बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं 5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो, 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हैं। 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूँ, पगार में मैं 1,500 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। मेम साहब इस महंगे शहर में रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी भी 2,000 से नीचे की नहीं होती, अगर 100 रुपए में भी हम अपना पेट भरेगा तो 5,000 चाहिए। अरे रे ठीक है, उसका भी बंदोबस्त करवा देती हूँ। ये बगल वाली सुनहरी कोठी मेरी सहेली इनायत की है, उसे काम वाली बाई की जरूरत है, अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें 3,000 पगार देगी। मैं भी 2,000 पगार देने की कोशिश करूंगी, विश्वास करके एडवांस दे रही हूँ, लेकिन फर्र मत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। मिटिया बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी लिया, एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा, ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भर पेट पानी पीकर कहती है,
ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़ेगा। अगले सवेरे बबीता अपनी बेटी शनाया के घर का काम खत्म करती है, जिसके बाद वो बगल में उसे इनायत के घर आती है। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो, कहाँ से आई हो? मेम साहब, वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे सांचे में ढलना पड़ेगा। इनायत बबीता को सारा काम समझाती है। अरे रे, जरा मेरे जेवरों से दूर रहो। बबीता कामकाज करके वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। माँ, बेशक ये शहर बड़ा अमीर है, मगर इन बड़े लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। ये किसी की मदद नहीं करते, तभी तो अक्सर ये अस्पतालों में पैसे झोंकते हैं। हाँ बेटी, ये अमीर लोग किसी भी गरीब के सगे नहीं है। ये तब तक ही तुम्हें दमड़ी देंगे जब तक तुम्हारी चमड़ी चलेगी। माँ सोचो, कितना अच्छा होता ना कि सारा शहर सचमुच में सोने का होता, तो किसी को भी किसी की गुलामी ना करनी पड़ती। बेटा, सपने को सोचने का क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। सोचते सोचते दोनों माँ बेटी नींद के आगोश के पड़ाव को पार करके सोना शहर की स्वप्न नगरी में प्रवेश करती हैं। ये सच है या फिर हमारी आँखों का भ्रम? ये सारा शहर सोने का कैसे हो सकता है? माँ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जादुई सोना शहर है। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर सड़कें तक भी सोने से सजी हुई हैं। दोनों माँ बेटी की नजर एकाएक ट्रैफिक पर पड़ती है, जहाँ सैकड़ों सोने की गाड़ी कतार में खड़ी हो जाती है। राजू नाम का एक बच्चा भूख से कुम्हलाते हुए एक गाड़ी का दरवाजा पीटता है। अरे मेम साहब, दरवाजा खोलो ना, इस भूखे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठी महिला सोने की साड़ी पहने जोर से दरवाजा बाहर की ओर खोलती है कि बेचारा भूखा राजू छटकते हुए दूर जा गिरता है। उसके हाथ पांव में गहरी चोट आ जाती है, जिसके साथ खून का रिसाव शुरू होता है। तुम भूखे भिकमंगे अमीर लोग देखते नहीं कि चले आते हो गरीबी का जाल बिछाने, ताकि हम उसमें फंसकर तुम्हें पैसे दें? न जाने सरकार तुम जैसे भूखे भिखारियों को इस सोना शहर में आने की इजाजत देता ही क्यों है। उस औरत का चेहरा देखकर वो तंग रह जाती है, क्योंकि दरअसल उस रईस औरत का अक्ष बबीता के समान था। अरे ये तो मैं हूँ, रईस होकर मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? नहीं नहीं, ये जरूर मेरी हमशक्ल है। बेचारे बेबस गरीब को खाना देने के बजाय उसका खून बहा दिया इस औरत ने। अरे इस सोना शहर होने का क्या फायदा। इसके बाद वो अमीर औरत अपने सोने की गाड़ी में सवार होकर सोना शहर की सड़क रोंदते हुए अपने घर आती है। गरीब बबीता और उसकी बेटी का साया भी उसके साथ चलकर आता है। हे माय प्रिंसेस, देखो मम्मा आ गई। तभी सोने की फ्रॉक का पहनावा पहने सामने से दौड़ती हुई कनक आती है। ओ मम्मा, आप आ गई। एकाएक घर के भीतर से कांच के टूटने की आवाज आती है। ना जाने इस पर इस काम वाली बाई ने क्या बड़ा नुकसान किया होगा। दोनों अमीर माँ बेटी के साथ गरीब माँ बेटी का अक्ष घर के भीतर चला आता है, जहाँ गरीब काम वाली सीता डरी सहमी खड़ी थी। माफ करना मालकिन, गलती से गिरा है या जानबूझकर, ये तय करना मेरा काम है। इस गोल्डन पैलेस की मालकिन मैं हूँ। बेशकीमती वास तोड़ दिया, इस महीने पगार में तुझे एक पैसे तक नहीं मिलेंगे। मालकिन ऐसा गजब ना करना, मेरी पगार से ही मैं मजबूर माँ मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। आपका तो घर सोने से सजा है, एक कांच की कीमत इस कदर मत वसूलिए। तू चाहे लाख गिड़गिड़ा या फिर मेरे सामने नाक क्यों ना रगड़, पगार तो मैं काट कर रहूंगी। अरे सोने के नशे में इस अमीर औरत की भौहें घमंड से भर गई हैं, जिसका शहर से लेकर घर बार तक सोने से जड़ा हुआ एक कांच की कीमत के लिए बेचारी इस गरीब के हक के पैसे मार रही है। ऐसे सोना शहर से बेहतर तो साधारण शहर का अस्तित्व है। हाँ माँ, इस सोना शहर में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इस स्वर्णिम शहर में अमीरों के नाम पर सनकी लोगों का बसेरा है। ये देखने से बेहतर मेरे साथ आंखें मूंद लो कनक। जिस पल चिन दोनों माँ बेटी सोना शहर से आंखें मूंदती हैं, तो वो खुद को अपने उसी झुग्गी में देखकर दंग होकर एक साथ कहती हैं। शुक्र है वो सोना शहर एक सपना था। माँ, क्या आप भी सपने में सोना शहर गई थी? हाँ बिटिया, सोना शहर के नाम पर वहाँ गरीबों पर सरासर अमीरों का शासन देखा। उससे बेहतर ये जीती जागती दुनिया है।
सोना शहर का सपना दोनों गरीब माँ बेटी को बड़ा सबक देती है, जिसके बाद भविष्य में वो दोनों फिर कभी ऐसे सपने नहीं संजोती। अब बबीता अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ सालों बाद बस्ती से एक साधारण घर का सफर तय करके अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगती है। एक सास की पांच घमंडी बहू। सज्जनपुर गांव में रहने वाली शांति देवी के पांच बेटे थे। पूरा गांव शांति देवी के स्वभाव की बड़ाई किया करता था। शिवलिंग के सामने खड़ी शांति हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव शंभू, ये आपका दिया सौभाग्य है जो आपने मुझे पांच सपूतों का सुख दिया है। मगर अब मेरे पांचों सपूत सयाने हो गए हैं, उनकी शादी के लिए अच्छे घराने की लड़कियां मुहैया कराओ गौरीपति। प्रार्थना अर्चना के पश्चात शांति घर चली आती है। वो शांति और उसके बेटों का भला आचरण ही था कि उसके घर बिन बोले सैकड़ों लड़कियों का रिश्ता आ रहा था। एक सुबह, माँ आपने इतने सुबह सवेरे हम पांचों भाइयों को तैयार होने को क्यों कहा? रौनक के प्रश्न पूछने पर शांति उन पांचों से तस्वीरें साझा करती हुई कहती है, मैंने इन पांचों को अपने पांचों पांडों के लिए पसंद किया है। मगर हमारी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? अरे पूरे 25 बरस का पड़ाव पार कर चुके हो पांचों, अब क्या बढ़ते बुढ़ाओ में ब्याह करोगे? बेटा समय से जोड़ी बंधन बंध जाए वही बेहतर है। पहली नजर में शांति को पांचों लड़कियां भा जाती हैं। महीने भर के भीतर ही शांति उन पांचों को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। बहुओं अपने दाहिने पांव से इन कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। पांच बहुएं बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे की ओर चल देती हैं। ये मंजर देख शांति को थोड़ा तो अटपटा लगता है, पर फिर वो कुछ ऐसा कहकर अपने मन को तसल्ली देती है, शायद शादी ब्याह के भागा दौड़ी में बेचारी मेरी पांचों बहुएं थक गई हैं। इसी सोच के साथ शांति सोने चली जाती है। अगली सुबह देर दोपहर उसकी आंख खुलती है। थोड़ी ही देर में शांति नीचे आकर कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है? रसोई घर भी एकदम उदास पड़ा है, आखिर ये पांचों बहुएं कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग सासू माँ, जरा जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बना दीजिए। वो क्या है, कल शादी में ऑयली खाना खा लिया था। आह, और मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए, मेरे लिए लेमन वाटर, मेरे लिए ऑरेंज जूस। अरे तू क्यों पीछे है परिणीति बहू, तू भी अपनी फरमाइश बता दे। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर सासू माँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम पांचों की। अरे बहू के रहते सास बावर्ची खाने में शोभती है। सासू माँ हम इस घर की बहू हैं, बावर्ची नहीं। अब बिना डीले किए हमारी फरमाइश को पूरा कीजिए, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। भूलिए मत सासू माँ, आपके पांचों पांडव हमारे पति हैं, उन्हें पल्लू में बांध कर अपने घर ले जाकर घर जमाई बनाकर रखेंगी हम। ये बात सुनकर शांति स्तब्ध रह जाती है और चुप्पी साधकर पांचों की फरमाइश को पूरा करती है। बहू आज तुम पांचों की मुंह दिखाई की रस्म है, सांझ को तैयार हो जाना। ये सुनकर पांच बहुएं शहरी स्वर में शांति पर ताने कसती हुई कहती हैं, किसने कहा था आपको ये स्यापा क्रिएट करने को सासू माँ? बहू शहर के लिए स्यापा हो सकता है, मगर गाँव देहात में मुँह दिखाई का प्रचलन सालों से है। अगर मुँह दिखाई नहीं हुई तो बहुतेरी बातें बनेंगी। मैं नहीं चाहती कोई भी जन मेरी बहू को लेकर बुरी बातें बनाए। ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। कहो। इस घर का बर्तन कटके से लेकर कोने कोने की सफाई और रसोई घर की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगी, मुझे मंजूर है। सांझ होने के साथ पांचों बहुओं के मुंह दिखाई का जश्न शुरू होता है। पांचों आकर सोफे पर पसर जाती हैं और कुंती कहती है, इससे पहले कि मुंह दिखाई शुरू हो तुम पांचों बहुएं अपना घूंघट उठाओ। क्या हुआ बहू, तुम पांचों ऐसे अचानक उठ क्यों गई? बस बहुत हुआ, जाने कैसे बेहुदा भद्दा रस्म है, ये पिछले 15 मिनट से हम पांचों को नमूना बनाकर रख दिया है। अरे मुंह दिखाई के नाम पर मौत देना कहते हैं इसे। इस रस्म के गजभर का घूंघट ऊपर से इन छपरी औरतों की बकैती। उनकी बातें सुनकर सभी औरतें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं कि कुंती कहती है, अरे ये कैसी घमंडी बेढंगी बेशरम बहू ब्याह लाई है शांति, जिनकी आंखों में न लाज है न शर्म हया। हे यू ओल्ड लेडी, हाँ तुझसे बात कर रही हूँ, तू होती कौन है हम पर हुक्म जताने वाली? अरे दफा हो तुम सबकी सब। अरे चलो बहनों, इन पांचों की घमंड से चढ़ी आंखें देखने से भला अपने घर जाना है। औरतों की मंडली के जाते ही पांचों बहुएं घमंडी स्वर में अपनी सास से कहती हैं, ये जितना भी ताम झाम आपने फैलाया है ना सासू माँ, इसे जल्दी से साफ करके रात का खाना तैयार कीजिए। ध्यान रहे सासू माँ, काम में जरा सी भी कमी रही तो ये बबली बड़ी बदमाश है, इसकी बोली गोली बरसाती है। पांचों बहुएं आराम से सोफे पर पसर कर टीवी देखती हैं और शांति सारा घर समेटने लगती है। तभी शनाया कहती है, बिना पॉपकॉर्न के टीवी देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, सासू माँ जरा यहाँ आना। बहू तूने बुलाया, हम पांचों का पॉपकॉर्न खाने का बड़ा मन है, जल्दी से अगले 5 मिनट में पॉपकॉर्न रेडी करके ले आइए। शांति ने अभी एक काम समाप्त ही किया था कि दूसरा काम मिल गया। हांफते हुए वो पॉपकॉर्न रेडी करके उन्हें परोसती है।
ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। बहुओं की जी हुजूरी में शांति को सांस लेने तक का समय नहीं मिल रहा था। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मांझे में बदल जाता है। एक सांझ पांचों बहुएं आपस में खुसर फुसर करती हुई कहती हैं, बस बहुत हो गया, ये सासू माँ हमारे गले का फांस बनती जा रही हैं। अब हम पांचों को मिलकर इनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सासू माँ जरा यहाँ तो आना। हाँ बहू, कहो। बुरा मत मानना माँ जी, पुख्ता तौर से देख पा रही हूँ कि आप किस कदर काम काज में काम चोरी करती हैं। कभी आधी अधूरी सफाई करती हैं, तो कभी कच्चा पक्का खाना पकाकर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। हमारी मानिए तो अब इस प्रॉपर्टी को अपनी पांचों बहुओं के नाम कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बहू इस घर को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो जानते ही, हम पांचों को अपने पति को पल्लू में बांधकर उन्हें अपने संग ले जाते जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ हंसी खुशी तुम पांचों को दे दूंगी, मगर क्या तुम अपनी सास की एक शर्त मानोगी? कैसी शर्त? अब से लेकर 24 घंटे के पहर पूरे होने तक तुम पांचों को बहू बनकर, नई बाई बनकर इस घर के कामकाज समेत मेरी खिदमत करनी होगी। ये करना हम बहू के लिए कौन सी बड़ी बात है? शर्त मंजूर है? अगले ही पल पांचों घरेलू कामकाज करना शुरू करती है। कोई झाड़ू तो कोई पोंछा, कोई बर्तन तो कोई खाने के काम में मशरूफ। बानी बहू जरा मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आ। ये लीजिए माँ जी पानी। कुछ देर बाद, अरे बबली बहू जरा साफ से सफाई कर, ये देख तिन के बिखरे हुए काम चोर कहीं की। ये शर्त तो सजा बन गई है, सोचा ना था बहू से बाई बनना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद, एकदम मुफ्त खोर है, पांचों सोफे पर क्यों पसरी हो? लगता है पगार काटनी पड़ेगी, भूल गई क्या? तुम पांचों अगले एक दिन तक बहू नहीं इस घर की बाई हो, चलो रात के खाने की तैयारी करो। ये सुनकर पांचों घमंडी बहुएं कुमलाई स्वर से कहती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा, ये रही लिस्ट, जरा भी डीले मत करना। रसोई घर में जाते ही पांचों पसीने में सराबोर होकर बाहर आकर एक साथ एक स्वर में कहती हैं, सासू माँ ये हमसे ना होगा। क्यों बहू, तुम पांचों ही तो कह रही थी घर संभालना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है। सासू माँ हम पांचों समझ गई हैं कि घर चलाना देश चलाने जैसा है, हमारा घमंड चूर चूर हो गया। बहू मैं चाहती तो शुरुआती दिन में तुम पांचों पर सास का शासन जता सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ते की कदर है। माँ जी हम पांचों को माफ कर दो, अब हम बेहतर बहू बनकर अपनी सास के सपने साकार करना चाहती हैं। हाँ सासू माँ, बहू से भाई बनने के सफर ने हमको सबक सिखा दिया। कुछ इस तरह शांति की पांच बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। साथियों, कभी कभी रिश्तों की अहमियत का एहसास कराने के लिए जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ता है, जैसे कि शांति देवी ने किया।